नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। अंततः आपको बताएं कि DSP रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें, BPSC 67वीं पेपर लीक मामले में अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है 2013 बैच के DSP रंजीत कुमार रजक की संलिप्तता है 67वीं BPSC पेपर लीक मामले में, और उनकी गिरफ्तारी EOU के द्वारा हो गई है। आपको बताएं कि पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, हिरासत में लिया गया था, और रंजीत कुमार रजक जो हैं वो BSAP 14 में DSP पद पर तैनात थे। और आपको बता दें कि जो मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि जो व्यक्ति BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के JEE के एग्ज़ाम में OMR सीट को रंगने के मामले में आरोपी था, वो DSP कैसे बन गया? वो भी अगले साल, चार सीटेड था जो व्यक्ति। और BSSC के एग्ज़ाम में आपको बता दें कि जब 2012 में हुआ था तो स्ट्रांग रूम से कुछ लोग पकड़े गए थे जो कि OMR सीट को रंग रहे थे, जो कहा जाता है पैसे लिए हुए थे और उन्होंने OMR सीट रंगने का काम किया ताकि जिनसे वो पैसे लिए हैं उनको वो बहाली करवा पाएँ। और मामले को रफा दफा एक तरह से कर दिया गया। BSSC का कोई कर्मचारी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ था उस समय, जबकि बिना कर्मचारियों या अधिकारियों के मिली भगत के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। बहरहाल आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या जो फैक्ट निकल के आए हैं रंजीत कुमार रजक के बारे में, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो है शुरू से सेटिंग गेटिंग में शामिल रहा है और इसने अपने परिवार वालों को भी नौकरी में सिलेक्टेड हैं, इसके परिवार वाले भी सिलेक्टेड हैं। और जांच होनी चाहिए, अब तो जांच होनी चाहिए कि ये लोग या फिर इसकी बहाली सही तरीके से हुई है या फिर उसमें भी किसी शॉर्टकट या फिर सेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं कि EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जब BSSC मामले में इसका नाम आया था उसी समय चेतावनी दी थी कि ऐसे व्यक्ति को DSP नहीं बनना चाहिए। बावजूद इसके आपको बताएं कि 2013 में बहाली होती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री 2014 में बने उस समय इसकी ज्वाइनिंग हो गई। विस्तार से आपको हम खबर बताते हैं जो खबरें निकल के आ रही हैं इसके बारे में। इसमें दिया हुआ है कि BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में EOU ने मंगलवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 पटना में तैनात DSP रंजीत कुमार रजक को गिरफ्तार कर लिया है। EOU के टीम ने रंजीत को सोमवार को ही हिरासत में ले लिया और पूछताछ चल रही है। प्रश्न पत्र लीक मामले में यह 16वीं गिरफ्तारी है। सूत्रों के मुताबिक रंजीत BPSC प्रश्न पत्र लीक मामले का बड़ा और शातिर खिलाड़ी है। उस पर पहले भी प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप लगे हैं। वर्ष 2012 में BSSC पेपर लीक घोटाले में EOU ने उसे चार्जशीट किया था, इसके बावजूद BPSC की परीक्षा पास कर DSP बन गया। इस बार भी BPSC का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गैंग के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में था। सूत्रों के अनुसार रंजीत के DSP बनने से पहले EOU ने BPSC को बता दिया था कि BSSC प्रश्न पत्र लीक मामले में चार्जशीटेड है और उसे बहाल न किया जाए। इसके बाद भी वह DSP बन गया। सूत्रों के अनुसार सिपाही से लेकर दरोगा भर्ती परीक्षा में उसकी ड्यूटी लगती रही है। सरकार अब इस मामले को लेकर बेहद सख्त है और इतने गंभीर आरोप के बाद भी वह 7 साल तक DSP के पद पर कैसे तैनात रहा इसकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि गया के कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार से पूछताछ एवं टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में रंजीत की भूमिका संदिग्ध पाई गई। रंजीत का शक्ति से लगातार बातचीत के प्रमाण पाए गए हैं। शक्ति प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का मुख्य अभियुक्त है। गिरफ्तारी के बाद EOU ने रंजीत के जगदेव पथ स्थित वीना विहार अपार्टमेंट में छापेमारी की, पर EOU के हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन रंजीत के लाइफ स्टाइल को देखकर टीम दंग रह गई। घर में करीब 50 की संख्या में पर्स,
और बैग मिले, 2 दर्जन से अधिक महंगे सूट मिले। रंजीत के खिलाफ ईओयू ने बीएसएससी पेपर घोटाले में 30 जून 2014 को चार्जशीट की थी। उस पर ओएमआर सीट को निकालकर खाली छोड़े गए उत्तर को कलर कर परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने का आरोप है। सिपाही और दरोगा में भर्ती में रंजीत की क्या भूमिका रही है, सुराग तलाशा जा रहा है। 8 मई को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद ईओयू ने जब छापेमारी शुरू की तो 11 मई को रंजीत ने अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और वर्ष 2019 में गया के निमचक बथानी में एसडीपीओ रहा। इसी इलाके में एक पूर्व सीएम का घर भी है और उन्हीं के कार्यकाल में रंजीत डीएसपी बना था, वो जीता नाम माझी हैं। आपको बताएं कि रंजीत डीएसपी बनने से पहले गुवाहाटी में सेंट्रल बैंक में पीओ था। वहां नौकरी करते हुए 2012 में बीएसएससी मामले में गड़बड़ी में अभियुक्त बना। रंजीत के 2 भाई भी बीपीएससी पास कर एसडीएम और लेबर इन्फोर्समेंट अफसर हैं। वही रंजीत ने डीएसपी से अपनी बहन की शादी की, बहन के नाम कटिहार में पेट्रोल पंप भी खोला। आपको बता दें कि ये रंजीत जो है ये कटिहार का ही रहने वाला है, तो आप इसका प्रोफाइल जान सकते हैं। एक भाई एसडीएम, एक भाई लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और बहन की शादी भी डीएसपी से करवाया। लाइफस्टाइल काफ़ी ही लग्जरियस, सूट है, पर्स है। कहने का मतलब है कि जो इनका रहने का स्टाइल है वो अमूमन बिहार के किसी अफसर का डीएसपी या एसडीएम रैंक का नहीं होता है। ऐसा है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि रंजीत कुमार रजक की जो स्थिति है और जितना ब्लैकलिस्टेड इसका कैरियर रहा है, दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि इसने अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की होगी। जांच किया जाए, दरोगा परीक्षा में भी गड़बड़ी के इसके सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनके लिए दरोगा और सिपाही भर्ती जो है एक बड़ा ही अच्छा अवसर होता है। और आपको बता दें कि शक्ति कुमार से इसके संबंध, जो कि गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है, जिसने स्वीकार किया है कि सबसे पहले बीपीएससी का प्रश्न पत्र का फोटो उसने ही खींचा, उसने 2446 दरोगा से पहले अपने कॉलेज में एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया था दरोगा एग्जाम के लिए, और उसका कॉलेज जो सूचनाएं मिल रही है दरोगा परीक्षा का भी सेंटर बना हुआ है। तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन लोगों ने दरोगा परीक्षा में सेटिंग एटिंग ना किया हो, क्योंकि आपको बताएं कि 2446 दरोगा परीक्षा जो है काफ़ी विवादास्पद परीक्षा रहा और छात्र चीख चीख कर ये आरोप लगाते रहे कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, प्रश्न पत्र के उत्तर एग्जामिनेशन से पहले सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। हालांकि बिहार का जो दरोगा का आयोग है उसने इस पर सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब ऐसे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है तो इन्हें सिर्फ बीपीएससी पेपर लीक मामले में ही ना रखा जाए, बल्कि इनके सारे क्रियाकलापों की जाँच की जाए कि आखिर इन लोगों ने कौन कौन से कुकर्म किए हैं और किन किन परीक्षाओं में धांधली की है, सेटिंग एटिंग की है। और इसके साथ ही साथ ये भी पता किया जाए कि इनकी पहुंच कहां तक है, कौन से बड़े अफसर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, राजनेता हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं और बदले में अपना कमीशन वसूलते हैं। तो आपको बता दें कि रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी हो चुकी है और काफ़ी पुख्ता सबूत मिले हैं ईओयू को, जो सेटिंग करने वाले हैं, जो पेपर लीक करने वाले हैं बीपीएससी 67वीं में, उसके साथ संपर्क के पूछताछ जारी है। हो सकता है कि और सारे भी इम्पोर्टेंट क्लू मिले ईओयू को, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो व्यक्ति चार्जशीटेड है वो डीएसपी कैसे बहाल हो गया, ये प्रश्न लाजमी है कि कैसे हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे सरकार ने ऐसे व्यक्ति को डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए बहाल कर दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।